हाँ जी प्रणाम गुरुदेव सीताराम खुश रहो आ, मैं डॉक्टर राहुल शर्मा हूं और जयपुर से आया हूं एक्चुअली क्या है कि आज मेरी ड्यूटी थी लेकिन जैसे ही सोनू भैया ने मुझे बताया कि आपका यहां दरबार लग रहा है आप नहीं मैंने तुरंत गाड़ी उठाई फैमिली को बोला साढ़े सात घंटे की कंटिन्यू ड्राइव करके आपके यहाँ मैं पहुंचा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मेरा सिंपल सा क्वेश्चन यही है कि मैं निस्वार्थ रूप से बिना कमीशन के बिना मतलब लोग बोलते हैं ना कि ये यूएससी करा लेना ऐसा कमीशन मेरे यहाँ आ जाएगा मैंने आज तक एक रुपया नहीं लिया है जेब से पेशेंटों का दिया है तो आपसे मैं ये आशीर्वाद परसेंट चाहता ऐसा कुछ दे जाओ मुझे कि रोग और रोगी दोनों ठीक हो जाएं बस और जीवन सफल हो जाए बस ये चाहिए बहुत सुंदर ताली बजाओ बहुत अच्छे से क्या नाम है आपका डॉक्टर राहुल शर्मा बहुत सुंदर हम एक एक दो प्रैक्टिकली बात एक आध्यात्मिक बात बताएंगे पहला रोगी को ठीक करने के लिए हमें हमेशा ठीक रहना पड़ेगा Correct. और जैसे ही वो इंट्री करे तो अन्य डॉक्टर करते हैं वैसा मत करना हम भी डॉक्टरों के पास जाते हैं इतना बेहुदा मुंह होता है उनका मतलब हमें कुछ पूछना भी है? चश्मा थोड़ा ऐसे हाँ तो जो बीमारी हो वो भी भूल जाती ये लगने लगता पता नहीं क्या का बोल दे वो ऐसी बात वो बोलते हैं सिर्फ एक सेकंड की रोगी को प्रैक्टिकली बहुत हमारा निजी अनुभव है प्रैक्टिकली तरीके से ठीक करना है एक पहला स्माइली स्वागत करो बिल्कुल दूसरा आते ही उसको संतुष्टि दो कि ऐसे बहुत रोगी हैं जिनको ये रोग था लेकिन वो ठीक हो गए बहुत लोग नहीं हो पाए तुम अपना आत्मबल मजबूत रखो तुम ठीक हो जाओगे और पूरा आशीर्वाद आपका बना रहे बस। दूसरा अध्यात्म बा आपने पूछा कि जो रोग आवे रोगी आवे वो ठीक हो जावे उसके लिए हनुमान जी का एक छोटा सा प्रयोग अगर आप कर पाओ देवी का रोगान सेसान पहष्टा रुष्टा तु कामान सकलान भिष्टान इस मंत्र के द्वारा आ, संपुट लगा के अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर पाओ तो ठीक ना कर पाओ तो हनुमान चालीसा की जो चौपाई हमने बहुत बार दी है ना से रोग हरे सब पीरा इस चौपाई को पूरा 108 बार बोलकर गंभीर मरीज को 108 बार पहले आप सिद्ध कर लो चालीस दिन तक इसकी एक सौ आठ आठ बार आवृत्ति करो मतलब बोलो इसका हवन करो दशांश इसके बाद में हाथ रख कर ये चौपाई मन ही मन में बोल देना या दवा दे देना रोग रोगी दोनों ठीक होने लगेंगे आशीर्वाद बने